हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर से ये हमारा अगला क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सच दैट मॉड जेड माइनस वन इक्वल टू मॉड जेड प्लस वन इक्वल टू मॉड जेड माइनस आयोटा इक्वल्स टू। ठीक है, तो हमें जेड की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर हमारे पास तीन मॉडल्स एक दूसरे के बराबर दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये क्या बता रहा है। ये बता रहा है z से 1 तक का डिस्टेंस, ये बता रहा है z से माइनस 1 तक का डिस्टेंस। माइनस 1 क्यों? क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ z माइनस माइनस 1 ब्रैकेट में, है ना। तो ये बता रहा है z से माइनस 1 तक का डिस्टेंस और ये बता रहा है z से आयोटा तक का डिस्टेंस। तो पहले 1 माइनस 1 और आयोटा को मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। तो हम ये मैंने बना लिया आर्गन प्लेन, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। वन कहाँ पर है? ये रहा वन। माइनस वन कहाँ पर है? ये है माइनस वन। और आयोटा कहाँ पर है? यहाँ पर है आयोटा। ठीक हो गया, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है। अब जेड का डिस्टेंस इन तीनों से बराबर है। आपको पता है ये डिस्टेंस भी वन है, ये डिस्टेंस भी वन है, ये डिस्टेंस भी वन है। तो इसका मतलब है z का जब इन तीनों पॉइंट से डिस्टेंस, मतलब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से डिस्टेंस अगर इक्वल है, तो z को फिर कहाँ होना चाहिए? z को यहाँ पर होना चाहिए, मतलब ओरिजिन पे होना चाहिए। तो इस हिसाब से z की वैल्यू कितनी होगी? ज़ीरो। मतलब z इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा, जो कि आपका ज़ीरो ही होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके पास जो z है, ये हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो हमारे पास यहाँ पर सही बैठेगा। तो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो गया। सिंपल था, डायग्राम बनाया हमने, सॉल्व कर लिया। तो अगर आपको ये सोल्यूशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।